ले गए नौकरी की, लेकिन वहां रहे नहीं, वहां घर उन्होंने बसाए नहीं, फिर वापस आए भारत। और यहां भी आप देखें, अपने एमपी बने, पत्नी भी एमपी थी स्वर्गीय सुमती उराव जी, अब दोनों पति पत्नी रहे हैं, बाद में ही तो रहे हैं, लेकिन कहने का अर्थ है आज तो कोई भी एमएलए एमपी बनते हैं तो यहां जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, वही बस जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जन्मभूमि को, अपनी कर्म भूमि को, जहां बच्चे में उन्होंने खेल कूद करके बड़े हुए, उस धरती को इन्होंने छोड़ा नहीं। वैसे से बाबा कार्तिक उराव जी, आप सोचिए आखिर वो क्यों नहीं छोड़े, आखिर पढ़ लिख करके वो रांची में भी घर बना करके रह सकते थे। हम तो आते समय पूछ रहे थे, कभी भी पूछते लोगों को वे रांची में उनका कोई घर द्वार है क्या, तो लोग बताते कि नहीं नहीं है। तो आप जरा सोचिए आखिर क्यों। इसलिए वो जानते थे अगर हम गांव से हट जाएंगे, गांव से कट जाएंगे, गांव से टूट जाएंगे, तो हमारे ये जो शर्मा समाज के हमारे आदिवासी भाई बहनी है उनका कौन देखेगा, उनके विकास कौन करेगा, उनकी तरक्की के लिए आगे रास्ता कौन दिखाएगा। और इसलिए बाबा कार्तिक उराव जी गांव उन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी जन्मभूमि को उन्होंने छोड़ा नहीं, धरती से जुड़े हुए। तो वैसे व्यक्ति थे बाबा कार्तिक उराव जी, ये हमें इस बात को समझना। और इतना ही नहीं, आप जरा सोचिए वो अपने समाज के लिए, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो संस्कार है, वो भी भूले नहीं। लोग भूल रहे थे, आज भी लोग भूल रहे हैं, आज भी लोग छोड़ रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया था, पार्लियामेंट में गैर सरकारी विधायक उन्होंने पेश किया था, आप सबको पता है। क्या सोचिए कि उस समय उस व्यक्ति के अंदर में वो दर्द था, वो तकलीफ थी कि भाई हमारे समाज के लोग अपनी जो संस्कार है जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो परंपरा है उसे छोड़ भी चले जा रहे। अगर हम इन सारे संस्कारों को छोड़ देंगे तो फिर हम लोग क्या कहलाएंगे, कोई राव तो नहीं कहेगा ना, कोई आदिवासी तो हम लोगों को नहीं कहेगा, हमारी पहचान मिट जाएगी तो फिर हम लोग भी मिट जाएंगे। और इसीलिए उनके ये आग्रह था और इसी कारण से उन्होंने गांव को नहीं छोड़ा। आज हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि भाई हम इतनी बड़ी समाज, अगर बाबा कार्तिक उराव जी अपने गांव को इसलिए नहीं छोड़ा ताकि गांव के लोग इधर उधर भटक नहीं जाए और गांव के लोग तरक्की करे, प्रगति करे, अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके शिक्षित बनावे, ताकि अपनी जो संस्कार है, अपनी जो संस्कृति है, उसको हम सब लोग बचा रखें, उसको हम सब लोग सुरक्षित रखते हैं, उसके प्रति आस्था, उसके प्रति समर्पण, ये हमें दिखाई। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहूंगा कि गांव में पैदा हुए, गरीबी में रहे, पले बढ़े और पढ़ लिख करके दी, और जरूर जो कहते हैं इससे बड़ा और कोई पुरुष तो हो नहीं सकता है भारत में, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति गांव से जुड़े रहे, गांव को छोड़े नहीं। तो आज मैं आप सब लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कार है, वही हमारी पहचान है। अभी किरणमाला बाला जी कह रहे थे कि हमारे गीत है, संगीत है, हमारी पोशाक है, ये भी एक पहचान है, लेकिन उससे आगे चल करके जो हमारी पहचान है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो हमारी परंपराएं हैं, और साथ ही हमारे जो देवी देवता है, चाहे शरणा स्थल हो, चाहे क्या बोलते हैं सारा टोंगा हो, चाहे हमारे घर में सो जय चाला जय धरना हमसे घर में संसद कहते हैं, अगर इन सारे स्थानों को हम सब लोग भूल जाएंगे, इन पुरखों को हम लोग भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये भी हम सब लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से इस अवसर पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमें अछूत रखना है। यही बाबा कार्तिक उराव जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज हम सब लोग यही संकल्प लेकर के जाए, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में एक बात जरूर कहूंगा, जिस भी को जुड़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं अरुण उराव जी,
और जिसको उन्होंने अपने पूर्व के उद्बोधन में भी कहा कि हमें बाल बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना। अगर हम आज बाल बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें कल्पना करिए कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम सब लोग आज भी कहां पड़े हुए हैं। इस पर विचार कर आज आप देख रहे होंगे दुनिया, अब हवाई जहाज पर लोग चंद्रमा की थे, मंगल ग्रह तक लोग पहुंच रहे हैं और आज हम सब लोग कहां पड़े हुए हैं। इस बात की हमें जरूर चिंता करनी चाहिए, हमारी क्या अवस्था है। मैं तो लोगों से कहा करता हूं, अगर हमारे पुरुष फिर धरती पर आएंगे तो डंडे लेकर के हम लोगों की पिटाई वो लोग करेंगे। आप कहेंगे क्यों पिटाई करेंगे? इसलिए करेंगे कि हमारे पुरखे नहीं इतनी तो आविष्कार कर चुके थे, जितनी इस हालत में हम सब लोग रह रहे हैं, उससे आगे हम सब लोगों ने आगे बढ़े नहीं। दुनिया आप देखिए, जो पाषाण युग था जिस समय तो क्या कहते हैं, पत्थरों की हथियारों से लोग लड़ा करते थे, जब लोहा के युग आया तो देखते होंगे तीर धनुष भाला बरछा से लोग लड़ाई करते थे, लेकिन आज तो एटॉमिक बम आ गया। आज तो वो युग आ गया कि 10,000 किलोमीटर के दूर से मिसाइल को लोग ताक रहे हैं। अब लड़ाई में मैदान जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कमरे में रूम में रह करके लोग जितनी भी 10,000 किलोमीटर दूर में लोग जाकर के हथियार को फेंक रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं। कहने का अर्थ है कि दुनिया कहां से कहां तरक्की किया, कहां से कहां आगे बढ़ गया। और हम लोग विचार करें कि हमारा समाज, हमारे जो आदिवासी समाज है, आज भी वही गाँव में, वही जंगलों में, उसी प्रकार से कंदराओं में हम सब लोग उसी प्रकार से रह रहे हैं, तो हमें इस पर जरूर चिंता करना चाहिए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि भाई अगर उस समय, अभी आप बता रहे हो कि परिचय कराए बच्चे से, यहाँ की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी आप जरा सोचिए, आजादी के पहले दौर की कार्तिक राव जी ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके नौकरी की लंदन तक में जा करके, और आजादी के ये 75 साल हो गए, अगर इस गांव में 75 भी अगर इंजीनियर हम लोगों ने नहीं पैदा किए तो समझो कि हम लोग वास्तव में कहीं ना कहीं ये गणित में गड़बड़ी हो रही है, इसको हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। ये मैं आज सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और लोगों से अपील कर रहा हूँ। और हम लोगों के अंदर में भी वही सब खून के प्रवाह हो रही है जिसमें भगवान क्या कहते हैं कार्तिक राव जी के खून में था, हम सब से उसी के संतान है, तो हम सब लोग भी अब उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना, उसके लिए प्रयास करना। और भगत जी विनय जी बता रहे थे कि जो समाजों के समाज में समस्या है उससे हम लोग कैसे निजात पाए, उससे कैसे हम लोग धीरे धीरे दूर हटे, अगर हम लोग उसी पर लटपटा के रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाज परिवार सब बिखर जाएगी। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही मेरा निवेदन है, यही मेरा अपील है कि आज के अवसर पर इस यात्रा में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सिर्फ नाच गान के लिए नहीं बल्कि ये संदेश को भी उनको हम सब लोग याद करें और हम सब लोग भी तय करें कि एक एक घर में बाबा कार्तिक राव जी को हम लोग पैदा करें, एक एक घर में बाबा कार्तिक राव जी को हम लोग तैयार करें। उस संकल्प साथ हम सब यहाँ से जाएं, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। और जहाँ तक इन्होंने जो बताए, निश्चित रूप से हम देश की सरकार से भी हम बात करेंगे कि भाई जो इन्होंने बताया कि 100 साल कार्तिक राव जी का पूरा हुआ है, तो निश्चित रूप से उनसे 70वें वर्ष में बड़ी धूमधाम से कार्तिक राव जी की जन्म जयंती को भी मनाई जाएगी, उसकी हम जरूर अपनी ओर से प्रयास करेंगे। आपको यह विश्वास दिलाते हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखते होंगे कि 15 नवंबर आप नजदीक आ रहा है, 15 नवंबर को पूरे देश में पहली दफा उन्होंने जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का पाया संकल्प लिया है सरकार की ओर से, और कई एक संग्रहालय का उद्घाटन भी हुआ पिछले जब 15 नवंबर का दिन था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूँ कि आज जो इस देश की जनजाति समाज को जो मान और सम्मान आज जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आज भी भारत के मंत्रिमंडल में 8
आठ मंत्री जनजाति समाज से है, आदिवासी समाज से है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली दफा ताकि और वो भी भिन्न भिन्न जाति के जो जनजाति समाज से जो लोग आते उनको स्थान दिया गया है, ताकि जनजाति समाज भी अपने पुरखों पर गौरव कर सके और आगे बढ़ सके। उसके लिए जो सम्मान और उसके लिए जो इन्होंने आग्रह किया है, हम जरूर अपनी ओर से प्रयास करेंगे और विश्वास भी दिलाते हैं कि जरूर हम सब लोग इस शताब्दी वर्ष को, आज अगला जो शताब्दी वर्ष होगा बाबा कार्तिक राव जी का, उसको हम लोग कैसे और आदि यादगार हम सब लोग और बना सके। और चूंकि बाबा कार्तिक राव जी पूरे देश के आदिवासी समाज इनको जानता है, उनकी पहचान के लिए वो कोई मोहताज नहीं है, सिर्फ एक बार लोगों को स्मरण कराने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, बिहार।